सिर्फ दो लौंग आपको यहां रखनी है, खराब से खराब रिश्ता, बिल्कुल बिगड़ा हुआ रिश्ता, कितना भी समय से खराब हुआ हो, कितने भी टाइम से चीजें खराब हो रही हो और किसी भी हद तक खराब हो गया हो, पल में चुटकी बजाते ठीक हो जाएगा। लौंग में अद्भुत शक्तियां हैं, लौंग बहुत शक्तिशाली है। रिलेशन, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, रिलेशनशिप, ये सब बहुत छोटी बात है। दो लौंग की बात कर रहा हूं, दो लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा साधन। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को बचाया जाता है, संबंधों को मधुर बनाया जाता है, पारिवारिक लाइफ को आपके पक्ष में किया जाता है और हर रिश्ते को रिपेयर करके आपको जिताया जाता है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। ये संसाधन, ये व्यवस्थाएं आपके लिए बनाई गई है। लोग मुझे वाइस रीडर कहते हैं, पता है ना, दुनिया का पहला किताब है हमारे नाम पे। विश्व में आज तक कोई ये नहीं कहता था, अब कुछ लोग सुने सुने बोलने लग गए, कौन सी बड़ी बात है। हमारे यहां पिछले 20 सालों में 31 लाख के आसपास लोग धन्यवाद कर चुके हैं। सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये चीजें सब निरंतर जारी है। क्यों जारी है? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा विश्वास के साथ साथ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, बड़े बड़े उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, उनके सार, उनके तथ्यात्मक रिसर्च करके आपको उपाय बताया जाता है। उपाय सीधा, सरल, घरेलू और बहुत सामान्य होता है, लेकिन होता बहुत दूर से लाया हुआ होता है ताकि उसे लाभ दिलाया जा सके। आपको हर बार इसका बेनिफिट मिलता है बहुत बड़ी संख्या में। आज फिर हाजिर हो गए, आज फिर आपको एक नई गाथा, एक नई परंपरा से रूबरू करा रहा हूं। और मैं कह रहा हूं, कितना भी खराब रिश्ता हो, कितना ही बिगड़ गया हो, झगड़े किसी भी आयाम पर हो, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो गई हो, रिश्तों की, रिलेशनशिप की, पारिवारिक लाइफ की, किसी भी कंडीशन में सिचुएशन पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सामग्री क्या चाहिए? दो लौंग। हाँ जी, वेद कहता है जाहा फल निर्जा फुला पक्षा शक्षकवणी ही। ये व्यवस्था सामान्य नहीं है। वेद कहता है ये वो पुष्प है, ये वो फल है जो विश्व के सर्वाधिक फलों को देने की क्षमता रखता हो, ऐसा कह रहा है। ताम्बूलम मनशामया विरचितम, ऐसा कोई ताम्बूल नहीं है जिसमें लौंग इलायची के बगैर काम चलता हो। ताम्बूलम मनशामया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु, ऐसा कहते हैं। दो लौंग एक नहीं, विश्व में पहली एक ऐसी चीज है जो जोड़े में दी जाती है। कभी किसी जानकार को पूछिए, लौंग का जोड़ा होता है, लौंग अकेला नहीं दिया जाता कभी किसी को। हाँ, लौंग हमेशा डबल चलती है, दो। जब दो लोगों को एक करने का साधन हो, जहां दो लौंगों को मिलाने की बात करना हो, तो लौंग तो पहले से डबल है, सिंगल बात ही नहीं करती वो तो। लौंग हमेशा डबल, मंत्र पढ़ना हो, फुकवाना हो, कुछ काम कराना हो, फूक मरवानी हो, डबल लौंग चलती है, एक लौंग चलती ही नहीं कभी। नर और मादा होती है लौंग में, जो पहचान पाना सामान्य इंसान की बस की बात नहीं है। हाँ, और लौंग की शक्ति अद्भुत अलौकिक शक्ति है। इसके अंदर बिगड़े से बिगड़े काम को बनाने की क्षमता लौंग में है। हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो काम नहीं हो सकता वो लौंग की कृपा से हो सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा भय का कारण लौंग, दुनिया में सबसे ज्यादा सुख का कारण लौंग, दुनिया में सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र प्रयोग में किया जाने वाला संसाधनों की व्यवस्थाओं का की सामग्री लौंग, विश्व में
सर्वाधिक चीजों को ठीक करने का साधन लौंग, लौंग एक तरीके से जानी जाती हो तो कहिए, लौंग के तो अनेकों स्वरूप है। लौंग की महिमा तो क्या ही कही जाए, विश्व में कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र लौंग के बगैर काम नहीं करता। बहुत छोटी बात कह रहा हूं, लौंग कोई और नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। लौंग कोई और नहीं है, ये साक्षात पूरा का पूरा आपका पार्थिव शरीर है। जो तुम्हारे अंदर पांच तत्व है, वही पांच तत्व इसके अंदर है। इसकी त्वचा है, इसकी हड्डी है, इसमें रक्त है, इसमें सब कुछ है जो आप जानना चाहते हो, जो तुम्हारे शरीर में वो सब है इसके अंदर। अब तुम कहोगे खाना खाती है, तो हां, विश्व में पहली एक ऐसी चीज है जो भक्षण करती है चीजों का। वो बहुत 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 सामान्य तरीके से एक श्लोक आता है, दंतान बिना भक्षत चर्मगंडी, बिना दांतों के सब भक्षण करने की क्षमता है लौंग में। बड़े बड़े तांत्रिक और मांत्रिक दो लौंग दे दे, आपका काम हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर तुम सावधान हो जाना, इन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक फालतू के बच्चों के चक्कर में मत पड़ जाना, किसी खास तांत्रिक के पास जाना, इसे सच में इस बात की, इस विधा का, परंपरा का आवाहन हो, उसे पता हो इसके बारे में। हर किसी की बस की बात नहीं है, हर कोई ये नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी अगर ये कर सकता है तो वो कुछ ही लोग हैं, बहुत नहीं है। जिस प्रकार पूरे विश्व में सफल बहुत लोग नहीं है, जिस प्रकार विश्व में सक्षम सारे लोग नहीं है, उसी प्रकार से विश्व में जानकार भी बहुत सारे लोग नहीं है, कुछ कम लोग हैं, मिलते बहुत हो रहे हैं। एक और खास बात, प्यास पीठ पर। देखो, अब मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं तो थोड़ा सा गड़बड़ है, हमारे बहुत सारे दर्शक हो सकता है इसके विपक्ष में हो, लेकिन समझना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल। व्यास पीठ पर और ज्योतिष संभाषण करने के लिए महिलाएं सर्वदा निषेध है, और YouTube में भरी पड़ी है लड़कियां, महिलाएं दुनिया भर का ज्ञान बता रही है। महिलाएं ये काम नहीं करें तो अच्छा है। जो भी स्त्री इस कार्य को करती है वो अपना कुल नशाती है और दूसरे के कुलों को सर्वनाश कर देती है। मुझे गिनकर बताइए ऐसे लोग, मैं आपको कैलकुलेशन वाइज करता हूं। कोई ऐसी पीढ़ी बताइए, कोई ऐसा नाम बताइए पूरे विश्व स्तर पर जिसकी तीन पीढ़ियां, पहली गुरु महिला हो, दूसरी गुरु महिला हो और तीसरी गुरु महिला हो, आप बताइए कोई ऐसा नाम। मैं आपको हजारों ऐसे नाम बता सकता हूं जिसका पहला गुरु पुरुष था, दूसरा गुरु पुरुष था और तीसरा गुरु भी पुरुष हो सकता है। अब देखो, इसमें संदर्भ बहुत बात है। गुरु जो शब्द है वो पुरुष लिंग है, पुरुष भेद है, इसमें गुरु पुरुष होना चाहिए। गुरु में पुरुषत्व तत्व चाहिए, महिला में जहां ममतामयी चीजें चाहिए। अरे तुम किचन के बारे में सिखाओ, बहुत अच्छा काम है। तुम साज सज्जा सिखाओ, बहुत अच्छा काम है। तुम घर का रख रखाव सिखाओ, बहुत बढ़िया काम है। तुम चीजों को बेहतर बनाना सिखाओ, बहुत अच्छा काम है। तुम ब्यूटी टिप्स दो, बहुत अच्छा काम है। पर तुम ये एरो टेरो पूजा पाठ और ये सब सिखाना मत शुरू करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये महिलाओं का काम नहीं है, इसमें तुम मत पड़ना कभी। तुम तो अपने उपाय करो, अपना लाइफ ठीक करो, तुम तो अपनी चीजों को अच्छा करो। तुम खुद भटक रहे हो, तुम्हारे जीवन में खुद ही बहुत तकलीफ है, तुम सब चीजों को ठीक करो। आज मैं कह रहा हूं कि भाई चलो, ये सामान्य बात है, तुम में से कोई आदमी इधर उधर हो रहे होंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि दो लौंग एक करने के लिए है। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं इतनी मुसीबत में थी मगर आपका ये उपाय किया तो मेरा काम हो गया। वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मेरा नंबर ब्लॉक में डाल दिया था, तो उसने दो दिन से बात कर रहे हैं, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। फिर आपका आशीर्वाद चाहिए और थैंक यू सो मच गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाए, मिलेगा ही। गुरु आदेश में सब संभव है। तुम बस परेशान मत होना, तुम बस दुखी मत होना, तुम अपना ध्यान रखना सीख लो, तुम चीजों को बेहतर बनाना सीख लो, तो तुम्हारा गुरु कहता है उसी पर ध्यान दो। तुम्हें जैसे चलाया जा रहा है तुम चलना शुरू तो करो, तुम्हें जैसे बढ़ाया जा रहा है उस पर तुम चलो तो सही।
बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत बड़ी जब कहता हूं तो सच में बहुत बड़ी है। तो जबरदस्ती खामखा क्यों चीजों को खराब करने लगे हो? तुम्हारी सरलता, सहजता, सीधाईपन, कभी कभी ये सब दुश्मन है। रोना आता है तो क्या करें, मत रो। सोल्यूशन नहीं है ना ये, सोल्यूशन करेंगे, इलाज करेंगे, व्यवस्था ठीक करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। जब करेंगे तब अच्छा करेंगे, खराब चीजें क्यों करनी। जो दुख में मुस्कुराता है भी इंसान कहलाता है। कौन है गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं? कौन है वो गुल, कौन है वो जिसमें भगवान नहीं है? कौन है वो गुल कि जिस गुलशन में रोशन तू नहीं? कौन है वो जहां परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है? तुम गड़बड़ा जाते हो तब जब तुम्हें विश्वास नहीं होता। ध्यान से समझना, अगर भगवान नहीं है तो जिक्र क्यों करते हो, क्यों पीछे पड़ते हो भगवान 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 भगवान? और अगर है तो फिक्र क्यों करते हो? करेगा वो मालिक है सबका। अच्छा, सकारात्मकता से तुम्हारी सब चीजें ठीक हो सकती हैं। इतनी सी चीजें चाहिए तुम नहीं कर पा रहे, अंडर फाइव में बढ़े। अरे 95 प्लस में आओ ना, कौन मना करता है तुम्हारी चीजें नहीं होंगी? मैं सीना ठोक कर कहता हूं, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं 24 घंटे में, 22 घंटे यही थोड़ी तुम्हारे लिए लगा रहा हूं। बड़े अच्छे शायर का शायर है, सहिंसाओं को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं यार होना? नहीं, आसान नहीं है, काफी मुश्किल है ये। मैं बताता हूं, आपको दो लौंग चाहिए। अब इस दो लौंग में थोड़ा भेद है। आपको एक कटोरी चाहिए पहले। उस कटोरी में नीचे के साइड में आपको या तो तुलसी के अर्क से स्वास्तिक बनाया जाए, और या तो बिलपत्र के अर्क से स्वास्तिक बनाया जाए। इन दोनों में से जो भी अवेलेबल हो कर लीजिए। तत्पश्चात इसमें उस स्वास्तिक के ऊपर धीरे धीरे शहद गिराया जाए जब तक स्वास्तिक पूरा डूब न जाए, और बहुत प्यार से शहद गिराते समय आपको 3 बार बोलना है, ओम मधु ओम मधु ओम मधु। ऐसा कहने से मधुरता मधु में और बढ़ जाती। मधुपादारितायते मधुशरंति सिंधवः। वेद तो कितनी कितनी ज्यादा बखानता कर रहे हैं इस बात की। ये वेद मधुरम कण है जिसे इंसान ने नहीं बनाया, प्रकृति की व्यवस्थाओं को लेकर बनाया गया है। विशुद्धात्मा विशुद्ध है, ये विशुद्ध से भी विशुद्ध है। और उसके बाद पहली लौंग सीधा उतार कर डालना और दूसरी लौंग उल्टा उतार कर डालना। जब सीधा उतारना तो अपने पार्टनर का नाम लेना, जब उल्टा उतारना तो अपना नाम लेकर के डाल देना। अब बस डाल देना, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे दोनों के दोनों फूल आपस में एक तरफ पास हो रहे होंगे। किसी तरह लौंग पास में आ जाए या पुष्प की जो लौंग की पुष्प है वो दोनों एक दूसरे के सामने हो जाए, ये इंडिकेशन है काम तुम्हारा तुरंत ही हो जाएगा। अब इसमें और आगे उपाय है। इसको खिलाने से वशीकरण होता है, इसको जलाने से सम्मोहन बढ़ता है, इसकी राख अपने माथे में लगाने से यश बढ़ता है, इसकी राख जली हुई लौंग की राख अपने हृदय में लगाने से हृदय में रहने वाले से हमेशा का तालमेल बढ़ जाता है, इसी राख को नाभि में लगाने से जीवन पर्यंत का साथ मिलता है, इसी राख को अपनी दोनों भुजाओं में लगाने से आपके प्यार में बीच में आ रहे लोगों सत्यानाश हो जाता है। दहिने भुजा संत जन तारे, बाई भुजा असुर दल मारे। दोनों भुजाओं में लगा लेने से असुर दलों का सर्वनाश होता है, संत जनों की वृद्धि होती है, यानी तुम्हारे प्यार की वृद्धि होगी और शत्रुता समाप्त होगी। करिए मन से उपाय, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से करना। तुम
तुम रहने की कोशिश करना, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, प्रीवियस लाइफ पर बताना, रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, टोटल मना है। मस्ती में ही सही बात बड़ी करता हूं तुम्हारे साथ, हंसा के ही सही कुछ बताने की कोशिश करता हूं तुम्हें, तुम्हें 95 में रहना है, अंडर 5 में नहीं, इतना तो साथ दे ही सकते हो, मैं तो अपनी नींद, अपनी भूख, अपना जीवन, अपना समय सब लगा रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम तो अपने प्यार के लिए लगा रहे हो, किसी और के लिए थोड़ी, तो जो चाहो सही से करो, सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। श्री सद्गुरु नाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।